नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। पटना के सीआरपीएफ कैंप में 100 जवान और अधिकारी एक साथ मिले कोविड-19 पॉजिटिव। पटना के सीआरपीएफ कैंप में बड़ा कोविड-19 चेन मिला है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना में अब तक का सबसे बड़ा कोविड-19 का मामला यहीं देखने को मिला है। पटना के सीआरपीएफ कैंप के 100 जवान और अधिकारी संक्रमित पाए गए हैं। पटना के आशियाना दीघा रोड स्थित सीआरपीएफ कैंप में रहने वाले 100 जवान और अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां तकरीबन 31 लोगों की रिपोर्ट पहले ही पॉजिटिव आई थी और अब इनकी बड़ी तादाद में पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीआरपीएफ कैंप के अंदर हड़कंप मच गया है। हालांकि सभी का इलाज कैंप के अंदर या आइसोलेशन में करवाया जा रहा है। पटना में बीते दिन 485 नए मरीजों की पुष्टि की गई थी। इसमें पटना सिविल कोर्ट के एक जज भी शामिल है। सिविल कोर्ट के एक जज संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती करा दिया गया है। बिहार में अगले 4 दिनों तक आंधी तूफान आने की जताई गई संभावना। बिहार में अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में एक साथ 2 साइक्लोनिक सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। अगले 4 दिनों तक आंधी तूफान का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में पिछले 24 घंटे के अंदर चक्रवाती हवा का एक सिस्टम बनता दिखाई दिया है, जो पश्चिमी बंगाल, बिहार और झारखंड होते हुए छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। और यही कारण है कि बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय समेत तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में तेज हवा चल रही है और कई जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। पटना में 30 मिलीमीटर बारिश बीते दिन दर्ज की गई थी। राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन की खुशी में सीतामढ़ी में भी दिखी झलक। राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन की खुशी में सीतामढ़ी में भी दिखी झलक। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की खुशी में सीतामढ़ी में भी खूब उत्सव मनाया गया। जनकपुर में प्रसिद्ध जानकी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करवाई गई और संपूर्ण मंदिर परिसर को 11,000 दीयों से सजाया गया। जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास की माने तो जनकपुर शहर के घर घर में दिवाली मनाई गई है। जानकी मंदिर में दिन में सीताराम कीर्तन का आयोजन करवाया गया। शाम होते ही जानकी मंदिर परिसर में दिए जलाए गए। स्थानीय लोगों की माने तो राम मंदिर के निर्माण को लेकर संपूर्ण जनकपुरी वासियों में उल्लास से बीते दिन उनके घर घर के साथ साथ जनकपुरी के अधिकांश हिंदू परिवारों के रामायण पाठ और भगवान राम की पूजा आराधना भी करवाई गई है। कोविड-19 की वजह से शहर में लॉकडाउन के कारण लोग अपने अपने घरों में ही दिवाली मनाते देखे गए। संपूर्ण मिथिलावासियों के लिए इससे बढ़कर खुशी का दिन कोई और नहीं हो सकता है। सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो पाया है और वहीं उसकी नींव भी बीते दिन रखी जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत शिविर में रहने वाले लोगों को अभी कोविड-19 जांच करवाने का जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ राहत शिविर में रह रहे सभी लोगों का एंटीजन किट और आर्टिफिशियल टेस्ट कराने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को दरभंगा, चंपारण और गोपालगंज के अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। दरभंगा के मखनाही में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर और कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया है। शिविर में रह रहे सभी लोगों को काढ़ा भी देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत कर वहां रसोई घर, चिकित्सीय सुविधा और कमरों के बारे में जानकारी ली है, जिसके बाद अफसरों से कहा गया है कि आपदा प्रभावित लोगों को जरा सा भी परेशानी न हो, इसका खास ध्यान रखा जाए। नव निर्वाचित स्वास्थ्य प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत डीएमसीएच की व्यवस्था से दिखे असंतुष्ट। स्वास्थ्य विभाग के नव निर्वाचित प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बीते दिन दरभंगा जिले का दौरा किया, जहां पहुंचकर उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहे आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया है। वहां भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हाल जाना और व्यवस्था के बारे में भी सवाल जवाब किए हैं। इसके बाद प्रधान सचिव ने जिला स्कूल के परीक्षा भवन में बने 100 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का भी उद्घाटन किया है। वहीं इस दौरान प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार की कोशिश है कि राज्य के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच की व्यवस्था से वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट है। हालात और परिस्थिति को देखते हुए व्यवस्थाओं में कमी को सुधारने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की अनुमति मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह के बाद केंद्र सरकार की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मिली सीबीआई जांच की अनुमति से हर कोई काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने आग्रह को स्वीकार किए जाने और केंद्र सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया है। इसको लेकर उन्होंने ट्विटर पर धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि अब बेहतर जांच होगी और सुशांत के परिवार को न्याय मिल सकेगा, जिसके तहत उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराए गए मामले की सीबीआई जांच कराने हेतु राज्य सरकार के अनुसार राज्य सरकार के आग्रह को केंद्र ने स्वीकार कर लिया है, इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद। वहीं कोर्ट ने भी बीएमसी की हरकतों को देखते हुए नाराजगी जाहिर की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को भी जबरदस्ती क्वारंटीन में डालने के फैसले की निंदा की है। बिहार के 4 रेलवे स्टेशन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी। बिहार के 4 रेलवे स्टेशन को निजी हाथों में सौंपने
की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे कुछ ट्रेनों के निजीकरण को लेकर काम लगातार कर रहा है, जिससे साल दर साल की यात्रियों की बेहतर सुविधा और सहूलियत मिल सके। वहीं यात्रियों की सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल परिवर्तन में जुटा हुआ है। इसी क्रम में बिहार के बीच रेलवे स्टेशन के निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है, जिसमें पटना का राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, गया और बेगूसराय का शामिल है। सभी रेलवे स्टेशन के निजीकरण में बड़ी कंपनियों द्वारा प्रमुखता से दिलचस्पी दिखाई गई है। निजीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रेलवे विकास निगम को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रेलवे का दावा है कि इससे यात्री सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी। बिहार बोर्ड में स्क्रूटनी के बाद नामांकन के लिए 7 अगस्त से करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। बिहार बोर्ड में मैट्रिक एवं छात्रों और छात्राओं को इंटर नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया है, जो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, लेकिन स्क्रूटनी के बाद उनके अंक बढ़ा दिए गए हैं और वो मैट्रिक में पास हो गए हैं। ऐसे छात्रों को इंटर में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की अनुमति 7 अगस्त से दी गई है। ऐसे छात्र 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि एक छात्र पहले इंटर नामांकन को OFSS के नामांकन नहीं कर पाए थे, लेकिन इसलिए अब उत्तीर्ण होने के बाद बिहार बोर्ड अलग से इन्हें मौका दे रही है, जिसके बाद अब सभी छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर विभिन्न कॉलेजों का कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद अपने अंक के अनुसार कॉलेज या स्कूल का चयन कर सकते हैं। एक छात्र कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 कॉलेज या स्कूल का चयन कर सकता है। इन छात्रों को बोर्ड के द्वारा जारी द्वितीय चयन सूची में नामांकन के लिए मौका दिया जाएगा। विधान परिषद के सभापति को आवंटित सरकारी बंगले पर कब्जा करने की हुई कोशिश। बिहार में सरकारी आवास पर कब्जा करने की खबर आए दिन सुनने में आ जाती है। वहीं बिहार विधान परिषद के सदस्य के लिए अपने आवास पर ही कब्जा करने की कोशिश की गई है। राजधानी पटना में सरकार और प्रशासन की के नीचे यह मामला दर्ज किया गया है। अवधेश नारायण सिंह के परिजन हालांकि यह देखकर हैरान हो गए कि आवास का ताला पहले से ही टूटा पड़ा है और अंदर में एक गाड़ी भी लगी हुई है। जब साफ करके अंदर दाखिला हुए तो यहां मौके पर मौजूद लोग फरार हो गए। देर रात तक पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी रही। मिली जानकारी के अनुसार अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह को पटना के दरोगा राय पथ में सरकारी आवास आवंटित हुआ था, जिसमें शिफ्ट करने के लिए उन्हें बुधवार को सामान लेकर अपने स्टाफ के साथ पहुंचे थे, लेकिन वहां का नजारा कुछ दूसरा ही देखने को मिला। आवास का ताला पहले से ही टूटा हुआ था और उसमें कुछ लोग रह रहे थे। क्वार्टर से पुलिस ने एक SUV कार भी जब्त की है, जो कि जूनियर इंजीनियर की बताई जा रही है। कार के ऊपर पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ है। बिहार में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले 639 वाहन को किया गया जब्त। 16 अगस्त तक लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बिहार में मनचलों की कमी दर्ज नहीं की जा रही है। पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 1 अगस्त से लागू अनलॉक 3 के तहत जारी गाइडलाइन का अनुपालन अभी भी करवाना मुश्किल हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं और 3 व्यक्तियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इस दौरान 640 वाहन भी जब्त किए जा चुके हैं और 16,86,170 रुपये की वसूली भी की जा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार 1 अगस्त से अब तक कुल मिलाकर 3,107 वाहन जब्त किए जा चुके हैं और 77,32,470 रुपये की राशि वसूली गई है। वहीं कई सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों की कतार भी लंबी है। पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले 4,983 व्यक्तियों से 2,49,150 रुपए की राशि वसूली गई है। वहीं 1 अगस्त से अब तक मास्क नहीं पहनने वालों से 12,05,100 रुपए की वसूली की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट की बाउंड्री की ऊंचाई बढ़ाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट की बाउंड्री की ऊंचाई को बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हवाई अड्डे की सुरक्षा की दृष्टि से इन बाउंड्री को ऊंचा करना जरूरी है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने दरभंगा चंपारण तटबंध और गोपालगंज के विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करने के दौरान उक्त बातें कहीं। हवाई सर्वेक्षण में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव दीपक कुमार और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार भी मौजूद थे। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट की बाउंड्री की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए अधिकारियों से बातचीत भी जारी करने पर सहमति बना ली गई है, ताकि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेशानुसार बाउंड्री को बढ़ाने का काम किया जा सके। यशवंत सिन्हा बिहार में अपने तीसरे विकल्प के तौर पर बनाएंगे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा बिहार विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने की तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं। वहीं अब यशवंत सिन्हा ने बिहार में तीसरे विकल्प को पेश करने का भी ऐलान कर दिया है, जिसके तहत यशवंत सिन्हा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन कर बिहार के सभी छोटे बड़े दल को मिलाकर एक नया दल बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में NDA और UPA दोनों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इसकी जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने खुद ही दी है। इतना ही नहीं, यशवंत सिन्हा भी कोविड-19 के संक्रमण के बीच चुनाव कराए जाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के इस माहौल में भी चुनाव कराने का उचित समय नहीं है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 5 अगस्त को बताया ऐतिहासिक दिन। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 5 अगस्त को ऐतिहासिक दिन बताया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भारत की सनातन संस्कृति और भौगोलिक अखंडता में विश्वास रखने वाले करोड़ों देशवासियों के लिए 5 अगस्त यादगार रहने वाला है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निष्प्रभावी करके उसे शेष भारत के साथ व्यवहारिक रूप से आत्मसात करने की पहली वर्षगांठ भी थी और 493 साल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन भी संपन्न करवाया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से
से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति ने इन दोनों कार्यों को लगभग असंभव बना दिया था। कश्मीर मुद्दे पर तत्कालीन संघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राम मंदिर के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा संघर्ष दो बड़े राजनीतिक संकल्पों की सिद्धि में नींव का पत्थर साबित हुआ है। इतिहास इनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। भारत में बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए रिकॉर्ड तोड़ मामले। भारत में कोविड-19 अपना असर लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में भारत में 56,282 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं 904 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 55,100 और 54,685 मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रभावितों की कुल संख्या बढ़कर 19,64,536 पर पहुंच गई है, जिसमें से 5,95,000 मामले एक्टिव चल रहे हैं। वहीं 13,28,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं और अब तक 44,699 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। आज सुपरस्टार आदित्य नारायण का है जन्मदिन। बॉलीवुड एक्टर, सिंगर और होस्ट रह चुके आदित्य नारायण का आज 33वां जन्मदिन है। आदित्य नारायण का जन्म 6 अगस्त 1987 में मुंबई में हुआ था। फिर भी उन्होंने फिल्मी कनेक्शन होने के कारण आदित्य नारायण फेमस बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण के बेटे हैं। आदित्य बॉलीवुड के स्टार किड्स में से एक है, जिन्होंने बचपन में खूब नाम कमाया है। बीते कुछ समय से इंडियन आइडल का शो होस्ट भी कर रहे हैं। बॉलीवुड सिंगर आदित्य नारायण ने 4 साल की उम्र से ही अपने करियर की शुरुआत कर ली थी। उन्होंने 4 साल की उम्र में अपना पहला गाना गाया। उसके बाद आदित्य ने फिल्मों में अभिनय भी किया। आदित्य ने कल्याण जी, वीर जी शाह से सिंगिंग की ट्रेनिंग ली। बचपन में आदित्य लिटिल वंडर में गाया करते थे। आदित्य ने प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपना पहला गाना 1992 में नेपाली फिल्म मोहिनी के लिए गाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने 1995 में आई फिल्म अकेले हम अकेले तुम के लिए भी आदित्य ने गाना गाया था। इसमें आदित्य नारायण को पहली बार अपने पिता उदित नारायण के साथ काम करने का अवसर मिला था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच बिहार सरकार की तरफ से की जा रही चिकित्सीय सुविधा से आप कितने संतुष्ट हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।